ओम शांति। आज हमारा योग का विषय बहुत विशेष रहेगा। आज हम योग में मर्जीवा स्थिति का अभ्यास करेंगे। दुनिया में जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं वह तो ईश्वर के पास चला गया, भगवान को प्यारा हो गया। लेकिन हम शरीर सहित बाबा के पास आ गए, भगवान के प्यारे बन गए। हमें सदा यह स्मृति रखनी चाहिए कि यह हमारा मर्जीवा जन्म है। हमारे जैसा लकी इस संसार में कोई भी नहीं। तो आज हम जीते जी मर्जीवा कैसे बनना होता है इसका अभ्यास करेंगे। कहते हैं आप मुए मर गई दुनिया, अर्थात जब हम ही नहीं रहे तो हमारे लिए इस दुनिया का क्या महत्व। ये कहावत हम संगमयुगी ब्राह्मण बच्चों के लिए है। अब हमें इसको प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना है। जीते जी उस न्यारी प्यारी अवस्था में रहना है। भले ही शरीर में है लेकिन इस असार संसार में होते हुए भी सबसे विरक्त न्यारी प्यारी स्थिति में रहना है। इस चित्र में रहते हुए बिल्कुल विचित्र स्थिति का अनुभव हो, अर्थात शरीर में होते हुए भी बाप समान निराकारी अवस्था का अनुभव होता रहे। जो भी संपर्क में आए उन्हें भी ऐसा महसूस हो कि यह इस दुनिया के नहीं है, यह तो कोई अल्लाह लोग हैं, कोई फरिश्ते हैं, अवतरित आत्मा है, कोई महान आत्मा है। हमारी सूरत में बाप की मूर्त दिखाई दे, जो भी हमें देखे उनको ही हमें देखते ही साक्षात्कार होने लगे। तो अपने से पूछें क्या हमारी स्थिति ऐसी है, क्या ऐसी रूहानियत हमारे अंदर आई है।
देखो, हमारे यादगार जड़ चित्रों में भी आज भी इतना आकर्षण है जो कई दिनों की लंबी पैदल यात्रा तय करके भक्त लोग केवल हमारे जड़ चित्र के दर्शन मात्र से ही खुश हो जाते हैं। हम तो फिर भी चैतन्य मूर्त हैं, तो आज देखना है क्या वह आकर्षण हमारे अंदर आ गई। ईश्वरीय महावाक्य हैं, जब तुम स्वयं को देह से न्यारा और बाप का प्यारा ज्योति बिंदु सितारा अनुभव करेंगे और सदा इसी स्मृति में रहेंगे, तब आपके द्वारा सभी आत्माओं को ऐसे दिव्य अनुभव होंगे, साक्षात्कार होंगे। अब कुछ पल अपने उस संपूर्ण स्वरूप का चित्र सामने लाएं, जांच करें क्या ऐसी दिव्यता हमारे अंदर आ गई। पूछे स्वयं से, बाबा हमको जैसा बनाना चाहते हैं, क्या हम ऐसा बने हैं? अपने मन रूपी दर्पण में अच्छी तरह से निहार कर देखें। आज गहराई में जाकर चेक करें, कहीं कोई कमी रह तो नहीं गई। अगर कोई कमी नजर आती है तो आज बाबा की याद से उसकी भरपाई कर लेनी है। आओ कुछ पल बाबा की याद की लगन में मगन होकर जो भी अंदर कमियां हैं उनको भस्म कर दें। अशरीरी अवस्था बनाने में हमारे सामने जो विघ्न आते हैं, आज उनसे सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं।
अनेक बंधनों की जो सूक्ष्म रस्सियां हैं, बार बार जो अपनी तरफ खींचती हैं। आज याद की अग्नि में उन रस्सियों को जला दें। एकदम मर्जीवा स्थिति, ना कोई मेरा और ना मैं किसी का, मेरा तो एक शिव बाबा बस। बहुत प्यार से और दिल से कहें, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे सब कुछ आप हो। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो बाबा। करे दुनिया तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लाख करे तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी, तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तेरे संग सदा हम ऐसे जैसे दीपक में बाती,
जाना। तुझ में बाबा पाया हमने बेहद का परम खजाना। तुझ में बाबा पाया हमने बेहद का परम खजाना। एक कहावत है, जहां गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वे साहन के सह। वास्तव में ये सब दोहे कहावतें हमारे ही यादगार में बने हुए हैं, क्योंकि हमारी जो चाहना थी जन्म जन्म से, वह चाहना पूरी हो गई। भगवान से मिलने की हमारी शुभ इच्छा पूरी हो गई। जन्म जन्म से जिनको हम ढूंढ रहे थे, वह हमें मिल गया। और भगवान का बनकर हमारी सारी चिंताएं मिट गई। बाबा ने हमें बेपरवाह बादशाह बना दिया। अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे दिल से सदा यही निकलता है, पाना था सो पा लिया और पाने को बाकी क्या रहा। यह गायन हम ब्राह्मण आत्माओं का ही है, देवताओं का नहीं। अभी ना हमें कोई चाह है ना कोई चिंता, हम ही सच्चे सच्चे बेपरवाह बादशाह हैं। पूरे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ जन्म, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य और इतनी प्राप्तियां कभी नहीं हो सकती। यह ईश्वरीय गोद अभी इस एक जन्म में ही मिलती है, तो आओ इसका पूरा आनंद लें। खोए रहे सदा बाबा के प्यार में, उनकी याद रूपी गोदी में समाए रहे। ध्यान रहे, इस जीवन का संपूर्ण आनंद उनको ही मिलेगा,
जो सदा अपने मर्जीवा जीवन की स्मृति में रहेंगे, जिन्हें याद रहता है कि मैं आत्मा इस शरीर में मेहमान हूं, ईश्वरीय सेवा के लिए मेरा यह मर्जीवा जन्म हुआ है, और इस रूहानी सेवा के लिए ही मुझे यह शरीर मिला है। मेरे पास जो कुछ भी है वह सब ईश्वर की अमानत है, सब कुछ बाबा का, और मैं बाबा के दिल पर राज करने वाली दिल तक नशीन आत्मा। इस स्मृति में रहने वाले सदा अनासक्त रहेंगे, उन्हें इस दुनिया की कोई भी वस्तु या कोई व्यक्ति अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। वह तो सदा एकांत में रहे, एक ही याद में खोए रहेंगे। अभी एक सेकंड में ऐसा अभ्यास करके देखें, समा जाएं बाबा की याद में, उस एक के अंत में खो जाएं। आपने बाबा हमें इतनी हंसी तकदीर दी, आपने बाबा हमें कितनी हंसी तकदीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तकबीर दी, आपने बाबा आपकी नजरों से बाबा प्यार का अमृत पिए, आपकी नजरों से बाबा प्यार का अमृत पिए, से मरना आपके दिल में जी।
से गाफिल हैं फिकर की तोड़ हर जंजीर दी, गम से गाफिल हैं फिकर की तोड़ हर जंजीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें क्या निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया। क्या निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया। खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा अभी इस संगम युग पर हमें जीते जी शरीर से न्यारा होने का अभ्यास करना है, क्योंकि हमारा अंतिम पुरुषार्थ यही है। जब जीते जी इस अवस्था का अनुभव होगा, तभी अंतिम समय बहुत सुखमय होगा। जैसे मक्खन से कोई बाल निकाल दिया जाता है, इतना सहज ही हम इस देह से न्यारे हो जाएंगे और बाबा के साथ अपने घर परमधाम चले जाएंगे। दिन भर कर्म करते हुए यही स्मृति रहे कि मैं आत्मा शरीर से अलग हूं, आत्मा ही इस शरीर से कर्म करवा रही है, मैं आत्मा
इस विनाशी देह का रथी हूं। अभी कुछ पल यह अभ्यास करें कि यह शरीर जैसे है ही नहीं, देह को भूलते जाएं, फील करें मैं मस्तक के बीच चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। मैं आत्मा इस देह से, देह के बंधनों से और देह की दुनिया से स्वतंत्र हूं। बिल्कुल निर्बंधन आत्मा, एकदम हल्के हो जाएं, हल्के होकर उड़ जाए इस देह और देह की दुनिया से ऊपर अपने वतन की ओर, बाप दादा के पास, और सूक्ष्म वतन के नजारों का आनंद लें। बाबा से रूहानी करें, बाबा से जो भी शक्तियां या वरदान चाहिए वो ले लें, और भरपूर होकर वापस फिर से इस भौतिक दुनिया में, पांच तत्वों के शरीर में प्रवेश कर जाएं। यह अभ्यास हमें बार बार पक्का करना है, जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई भी याद ना आए। बस यही बुद्धि में रहे, हम आत्मा हैं।
शिव बाबा के बच्चे हैं, वह हमें लेने आए हैं और अब मुझे उनके साथ जाना है। इस अभ्यास से देह का भान टूटता जाएगा, सारा दिन स्मृति रहे, मैं आत्मा इस अंतिम जन्म के विनाशी शरीर द्वारा पार्ट बजा रही हूं। मैं आत्मा अविनाशी हूं और यह देह विनाशी है। कुछ ही समय बाद यह शरीर मुझ आत्मा से अलग हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। जो चीज नष्ट होने वाली है, खत्म हो जाने वाली है, भला उसमें क्या मोह रखना। तो सारी दुनिया से अनासक्त हो जाएं, सभी बंधनों से मुक्त, बिल्कुल निर्मोही बन जाएं। एक बाप दूसरा ना कोई, यही अभ्यास पक्का करते जाएं। जिंदगी रहे तार मन
एक संकल्प के साथ आत्मा देखें अपने को, स्वराज्य अधिकारी हूं, राजा हूं, बहुत शक्तिशाली हूं, सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान। स्वीकार करते हुए अपने इस तेजस्वी स्वरूप को निहारें, राजा बनकर बैठ जाएं सिंहासन पर। से बहुत तेजस्वी और शक्तिशाली किरणें चारों ओर फैल रही हैं। स्वयं भगवान हमें श्रेष्ठ भाग्य देने आया हूं। वे हमारे भाग्य का सूर्य विश्व गगन में चमका रहे हैं। कितना सुंदर समय आया, भगवान हमारा साथी बन गया। हमारे घर में मेहमान बनकर आ गया। चलें जैसा वो है वैसे ही हम हो जाएं। मैं चमकती आत्मा, बहुत शक्तिशाली आत्मा,
मस्तक सिंहासन पर विराजमान। मैं स्वराज अधिकारी, मन बुद्धि की मालिक हूं। मैं शक्तिशाली राजा हूं। संकल्प करें, देह के सभी तत्व तत्वों में विलीन हो गए। बच गई मैं निराकार चमकती हुई ज्योति। उड़ चली अपने धाम, उड़ती जा रही हूँ, उड़ रही हूँ अपने धाम की ओर। पतवार नैया लगेगी,
अपने किनारे, उनकी कृपा से हो जीवन उधार, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर, देह की मीठी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। पहुंच गई स्वीट साइलेंस होम में, यहां जैसे कि चारों ओर शांति का सागर लहरा रहा है, ये शांति मुझ में समाने लगी। चित्त शांत होने लगा, ऊपर शांति के सागर, जिन्हें पाकर हमारा जीवन शांत हुआ, उनकी शांति की तरंगे मुझ में समाकर मेरी शांति की शक्ति को बढ़ा रही हैं। ऊपर बाबा पवित्रता के सागर, पतित पावन सदगति दाता, उनके पवित्र वाइब्रेशंस मुझ में प्रवेश कर रहे हैं, विकारों की सभी गंदगी जलकर नष्ट हो रही है। ऊपर बाबा सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य, उनकी शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं, शक्तियों का फाउंटेन मेरे ऊपर, मैं बाप समान हूं, उनकी शांति से भरपूर, उनकी शक्तियों से भरपूर, उनके ज्ञान से भरपूर, जो कुछ उनमें है वो उन्होंने सब कुछ मुझे दे दिया है, मैं उनके वरदानों से भरपूर हूं।
परमधाम में निराकार निराकार के साथ मेरा आभा मंडल सभी आत्माओं से बड़ा है, मेरा प्रकाश ब्रह्मलोक में दूर दूर तक फैल रहा है। यहां से मैं आत्मा वापिस अपनी भ्रकुटी की कुटिया में मैं मास्टर ज्ञान सूर्य अंग अंग से तेजस्वी किरणें फैल रही हैं। ज्ञान सूर्य आंखों के सामने है। सामने से उनकी किरणें पड़ रही हैं। मैं ज्ञान सूर्य की संतान मास्टर ज्ञान सूर्य मेरी शक्तियों की किरणों से माया के कीटाणु नष्ट होते हैं। मैं मास्टर शांति का सूर्य मेरी किरणों से विश्व में शांति स्थापित होती है। मैं पवित्रता का सूर्य मेरी पवित्रता से संसार के मनुष्य निष्पाप होते हैं। मैं फरिश्ता हूँ शांति का फरिश्ता। डबल लाइट फरिश्ता। उड़ चला सूक्ष्म लोक ये फरिश्तों की दुनिया। यहां चारों ओर परमानंद सामने देखें बाप दादा बहुत बहुत तेजस्वी फरिश्ता मस्तक में सर्वशक्तिवान चमक रही है महाज्योति। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। मन आनंदित हो रहा है। नैनों से लाइट और माइट की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ये वही है जिन्हें सारा संसार
ढूंढ रहा है, जिनकी एक झलक पाने के लिए भक्त इंतजार कर रहे हैं। ये वही है जिसे हम भी युगों से याद करते आए, जिससे मिलने की दिल में बहुत चाह थी। दिल गाता था, तुम एक बार मिल जाओ बस, हमारे जन्म जन्म सफल हो जाए, एक बार तुम्हें देख लें। और कुछ देखना शेष न रह जाए, जो सत्यम शिवम सुंदरम है वो सामने है। जिसको पाकर हमारे जन्म जन्म के सभी दुख नष्ट हो गए, जिसे पाकर हम पूर्ण रूप से तृप्त हुए, मन ने सच्चा चैन पाया, अपना वचन निभाने को, धर्म स्थापना करने को, अधर्म समूल मिटाने को, आत्म बंधन मुक्त कराने, अब वो प्रियतम आन मिले, जिन्हें पुकारा सदा रात दिन, अब वो प्रियतम आन मिले।
फिर से प्रेम की ज्योति जगाने, अब वो प्रियतम आन मिले, जिन्हें पुकारा सदा रात दिन, अब वो प्रियतम आन मिले। सामने ग्लोब है, बाबा बोले बच्चे इस ग्लोब को सकास दो, पूर्वज बनकर दुआएं दो। हमारे मस्तक से शांति की तरंगे ग्लोब में समाने लगी। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया, और हमें प्यार से गले से लगा लिया है। सिर पर प्यार भरा हाथ फेर रहे हैं। लगाया गले आपने बाबा, नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का, हो मस्तक पे मेरे विजय का, नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से
से लगाया गले आपने बाबा। खुशी अंदर से खाली दुनिया में सारे सवाली झूठी खुशी अंदर से खाली झोलियां हम भरने लगे आपसे बाबा प्यार से लगाया गले आपने बाबा प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका मस्तक पे मेरे विजय का हो मस्तक पे मेरे विजय का। बने हम तुम्हारे रंग गए सांझ और सकारे जब से बने हम तुम्हारे रंग गए सांझ और सकारे प्यारे नजारे मिले आपसे बाबा प्यार से लगाया गले आपने बाबा प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका मस्तक पे मेरे भी। और वरदान दिए संभाले वरदानों को बच्चे तुम विघ्न विनाशक हो विघ्न विनाशक भव। तुम्हें सारे संसार को विघ्नों से मुक्त करना है मास्टर दुख हरता सुख करता भव। तुम्हें सभी को दुखों से दूर करना है अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया मुझ में समाने लगी बाबा की शक्तियों की किरणें स्मृति दिलाई तुम इस जहान के नूर हो तुम अगर इस संसार में ना होते
तो ये जहान वीरान बन जाता। तुम इस संसार के लिए वरदान हो, संसार की शोभा हो। पुण्यात्माएं पवित्र आत्मा हो, तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण ही इस धरा पर पाप कम होता है। तुम वही हो जो जन्म जन्म भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते आए हो। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, जो तक
जो धड़कन में समाया हो उसे क्या भूल पाएंगे तेरा एहसान यो बाबा कभी ना भूल पाएंगे दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे तेरा ओम शांति। आज हमारा योग का विषय बहुत विशेष रहेगा। आज हम योग में मर्जीवा स्थिति का अभ्यास करेंगे। दुनिया में जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं वह तो ईश्वर के पास चला गया, भगवान को प्यारा हो गया। लेकिन हम शरीर सहित बाबा के पास आ गए, भगवान के प्यारे बन गए। हमें सदा यह स्मृति रखनी चाहिए कि यह हमारा मर्जीवा जन्म है। हमारे जैसा लकी इस संसार में कोई भी नहीं। तो आज हम जीते जी मर्जीवा कैसे बनना होता है इसका अभ्यास करेंगे। कहते हैं आप मोए मर गई दुनिया, अर्थात जब हम ही नहीं रहे तो हमारे लिए इस दुनिया का क्या महत्व। ये कहावत हम संगमयुगी ब्राह्मण बच्चों के लिए है। अब हमें इसको प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना है। जीते जी उस न्यारी प्यारी अवस्था में रहना है। भले ही शरीर में है लेकिन इस असार संसार में होते हुए भी सबसे विरक्त न्यारी प्यारी स्थिति में रहना है। इस चित्र में रहते हुए बिल्कुल विचित्र स्थिति का अनुभव हो, अर्थात शरीर में होते हुए भी बाप समान निराकारी अवस्था का अनुभव होता रहे। जो भी संपर्क में आए उन्हें भी ऐसा महसूस हो कि यह इस दुनिया के नहीं है, यह तो कोई अल्लाह लोग हैं, कोई फरिश्ते हैं, अवतरित आत्मा है, कोई महान आत्मा है। हमारी सूरत में बाप की मूर्त दिखाई दे, जो भी हमें देखे उनको ही हमें देखते ही साक्षात्कार होने लगे। तो अपने से पूछें
क्या हमारी स्थिति ऐसी है? क्या ऐसी रूहानियत हमारे अंदर आई है? देखो, हमारे यादगार जड़ चित्रों में भी आज भी इतना आकर्षण है जो कई दिनों की लंबी पैदल यात्रा तय करके भक्त लोग केवल हमारे जड़ चित्र के दर्शन मात्र से ही खुश हो जाते हैं। हम तो फिर भी चैतन्य मूर्त हैं, तो आज देखना है क्या वह आकर्षण हमारे अंदर आ गई। ईश्वरीय महावाक्य हैं, जब तुम स्वयं को देह से न्यारा और बाप का प्यारा ज्योति बिंदु सितारा अनुभव करेंगे और सदा इसी स्मृति में रहेंगे, तब आपके द्वारा सभी आत्माओं को ऐसे दिव्य अनुभव होंगे, साक्षात्कार होंगे। अब कुछ पल अपने उस संपूर्ण स्वरूप का चित्र सामने लाएं जांच करें। क्या ऐसी दिव्यता हमारे अंदर आ गई? पूछे स्वयं से, बाबा हमको जैसा बनाना चाहते हैं, क्या हम ऐसा बने हैं? अपने मन रूपी दर्पण में अच्छी तरह से निहार कर देखें। आज गहराई में जाकर चेक करें, कहीं कोई कमी रह तो नहीं गई?
अगर कोई कमी नजर आती है तो आज बाबा की याद से उसकी भरपाई कर लेनी है। आओ कुछ पल बाबा की याद की लगन में मगन होकर जो भी अंदर कमियां हैं उनको भस्म कर दें। अशरीरी अवस्था बनाने में हमारे सामने जो विघ्न आते हैं आज उनसे सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं। अनेक बंधनों की जो सूक्ष्म रस्सियां हैं बार बार जो अपनी तरफ खींचती हैं आज याद की अग्नि में उन रस्सियों को जला दें। एकदम मर्जीवा स्थिति, ना कोई मेरा और ना मैं किसी का, मेरा तो एक शिव बाबा बस। बहुत प्यार से और दिल से कहें, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे सब कुछ आप हो। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो बाबा।
तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तेरे संग सदा हम ऐसे जैसे दीपक में बाती। एक कहावत है, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिनको कछु नहीं चाहिए वे साहन के सह। वास्तव में ये सब दोहे कहावतें हमारे ही यादगार में बने हुए हैं, क्योंकि हमारी जो चाहना थी जन्म जन्म से, वह चाहना पूरी हो गई। भगवान से मिलने की हमारी शुभ इच्छा पूरी हो गई। जन्म जन्म से जिनको हम ढूंढ रहे थे वह हमें मिल गया। और भगवान का बनकर हमारी सारी चिंताएं मिट गई। बाबा ने हमें बेपरवाह बादशाह बना दिया। अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे दिल से सदा यही निकलता है, पाना था सो पा लिया, और पाने को बाकी क्या रहा।
यह है गायन। हम ब्राह्मण आत्माओं का ही है, देवताओं का नहीं। अभी ना हमें कोई चाह है ना कोई चिंता, हम ही सच्चे सच्चे बेपरवाह बादशाह हैं। पूरे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ जन्म, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य और इतनी प्राप्तियां कभी नहीं हो सकती। यह ईश्वरीय गोद अभी इस एक जन्म में ही मिलती है, तो आओ इसका पूरा आनंद लें। खोए रहे सदा बाबा के प्यार में, उनकी याद रूपी गोदी में समाए रहें। ध्यान रहे, इस जीवन का संपूर्ण आनंद उनको ही मिलेगा जो सदा अपने मर्जीवा जीवन की स्मृति में रहेंगे, जिन्हें याद रहता है कि मैं आत्मा इस शरीर में मेहमान हूं। ईश्वरीय सेवा के लिए मेरा यह मर्जीवा जन्म हुआ है, और इस रूहानी सेवा के लिए ही मुझे यह शरीर मिला है। मेरे पास जो कुछ भी है वह सब ईश्वर की अमानत है, सब कुछ बाबा का, और मैं बाबा के दिल पर राज करने वाली दिल तक नशीन आत्मा। इस स्मृति में रहने वाले सदा अनासक्त रहेंगे, उन्हें इस दुनिया की कोई भी वस्तु या कोई व्यक्ति अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। वह तो सदा एकांत में रहे, एक ही याद में खोए रहेंगे। अभी एक सेकंड में ऐसा अभ्यास करके देखें, समा जाएं बाबा की याद में, उस एक के अंत में खो जाएं। आपने बाबा हमें इतनी हंसी तकदीर दी,
आपने बाबा हमें कितने हंसे तकदीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तकबीर दी, आपने बाबा प्यार का अमृत पिए, आपकी नजरों से बाबा प्यार का अमृत पिए, सीख कर दुनिया से मरना आपके दिल में जिए, हम से गाफिल है फिकर की तोड़ हर जंजीर दी, हम से गाफिल है फिकर की तोड़ हर जंजीर दी, जिंदगी जीने की हम एक नई तदबीर दी आपने बाबा हमें। क्या निराली शान है दिल तख्त पर हमें रख लिया, क्या निराली शान है दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा हमें।
अभी इस संगम युग पर हमें जीते जी शरीर से न्यारा होने का अभ्यास करना है, क्योंकि हमारा अंतिम पुरुषार्थ यही है। जब जीते जी इस अवस्था का अनुभव होगा, तभी अंतिम समय बहुत सुखमय होगा। जैसे मक्खन से कोई बाल निकाल दिया जाता है, इतना सहज ही हम इस देह से न्यारे हो जाएंगे और बाबा के साथ अपने घर परमधाम चले जाएंगे। दिन भर कर्म करते हुए यही स्मृति रहे कि मैं आत्मा शरीर से अलग हूं, आत्मा ही इस शरीर से कर्म करवा रही है, मैं आत्मा इस विनाशी देह का रथी हूं। अभी कुछ पल यह अभ्यास करें कि यह शरीर जैसे है ही नहीं, देह को भूलते जाएं, फील करें मैं मस्तक के बीच चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। मैं आत्मा इस देह से, देह के बंधनों से और देह की दुनिया से स्वतंत्र हूं। बिल्कुल निर्बंधन आत्मा, एकदम हल्के हो जाएं। हल्के होकर उड़ जाए इस देह और देह की दुनिया से ऊपर अपने वतन की ओर, बाप दादा के पास। और सूक्ष्म वतन के नजारों का आनंद लें। बाबा से रू रिहान करें। बाबा से जो भी शक्तियां या वरदान चाहिए वो ले लें।
और भरपूर होकर वापस फिर से इस भौतिक दुनिया में पांच तत्वों के शरीर में प्रवेश कर जाएं। यह अभ्यास हमें बार बार पक्का करना है जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई भी याद ना आए। बस यही बुद्धि में रहे, हम आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, वह हमें लेने आए हैं और अब मुझे उनके साथ जाना है। इस अभ्यास से देह का भान टूटता जाएगा, सारा दिन स्मृति रहे मैं आत्मा, इस अंतिम जन्म के विनाशी शरीर द्वारा पार्ट बजा रही हूं। मैं आत्मा अविनाशी हूं और यह देह विनाशी है। कुछ ही समय बाद यह शरीर मुझ आत्मा से अलग हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। जो चीज नष्ट होने वाली है, खत्म हो जाने वाली है, भला उसमें क्या मोह रखना। तो सारी दुनिया से अनासक्त हो जाएं, सभी बंधनों से मुक्त, बिल्कुल निर्मोही बन जाएं। एक बाप दूसरा ना कोई, यही अभ्यास पक्का करते जाएं।